दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईएक्स के बारे में। आईएक्स की आज इन्वेस्टर मीटिंग हमें देखने को मिलने वाली थी और उसके आउटकम्स को लेकर यहां पर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। साथ ही साथ 1 जनवरी 2022 से आईएक्स की ट्रेडिंग यहां पर पूरी तरीके से बंद होने वाली है। तो ये ट्रेडिंग कब तक बंद रहेगी और साथ ही साथ यहां पर क्या फ्यूचर अब इस शेयर का निकल कर आ रहा है, सारी चीजों को डिटेल में जानेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बात करें आईएक्स के बारे में तो आज का दिन आईएक्स के शेयर होल्डर्स के लिए काफी बड़ा था, क्योंकि आज के दिन निपॉन इंडिया के साथ में इनकी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल हमें आज के दिन कंडक्ट होते हुए देखने को मिल रही थी। और साथ ही साथ आज के दिन हमें इस शेयर के अंदर लगभग 2.25 रुपए के शानदार पॉजिटिव मूवमेंट भी देखने को मिल चुके हैं। यानी कि जहां एक तरफ मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी, वहीं आईएक्स के अंदर आज के दिन हमें काफ़ी शानदार फ्रेश बाइंग भी आते हुए देखने को मिली है। चलिए वन बाय वन बात कर लेते हैं सभी न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले आप यहां पर डेट और टाइम कंफर्म कर सकते हैं, 27 दिसंबर 2021 आज ही के दिन कंपनी की तरफ से ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट निकल कर आई है कि कंपनी यहां पर यानी कि 1 जनवरी 2022 से अपनी जो ट्रेडिंग है उसे यहां पर सस्पेंड करने जा रही है। यानी कि ट्रेडिंग क्लोज हो रही है यहां पर आईएक्स की 1 जनवरी 2022 से। तो ये ट्रेडिंग क्लोज हो रही है, उसके पीछे का रीजन है Q3 एंडेड और साथ ही साथ कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट अब यहां पर प्रेजेंट करने वाली है। तो उसी को लेकर यहां पर ये जो ट्रेडिंग है आईएक्स की वो यहां पर क्लोज करी जा रही है। आपको विद इन 1 और 2 डेज यहां पर आईएक्स के Q3 के रिजल्ट की डेट भी अनाउंस होते हुए देखने को मिल सकती है। जैसे ही Q3 के रिजल्ट की डेट अनाउंस हो जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से और हमारे यूट्यूब चैनल से अपडेट कर दी जाएगी। बात करें अगली बड़ी अपडेट्स के बारे में जो कि आईएक्स को लेकर निकल कर आ रही है। यहां पर आपको पता है कि आईएक्स ने पिछले एक साल में 250% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। और उसके पीछे जो मेनली रीज़न देखा जा रहा है, जिस प्रकार से पावर सेक्टर के शेयर्स के अंदर हमें डिमांड देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से पावर कंजम्पशन इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, कहीं ना कहीं आईएक्स को भी उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी हमारी इंडिया के अंदर अब ग्रोथ जो है वो बहुत ही शानदार तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जिस कारण से इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आईएक्स को ही मिलते हुए हमें देखने को मिल रहा है। कोल के क्राइसिस के कारण यहां पर जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड है उसके अंदर मोर देन 80% यहां पर हमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ आईएक्स इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, जहां पर मोर देन 90% स्पॉट वॉल्यूम हमें यहां पर हेल्ड होते हुए देखने को मिलती है। तो इट इज अल्सो प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्ट्स लास्टिंग एज लॉन्ग एज 1 ईयर टू टैप बायर्स लुकिंग टू सिक्योर फ्यूचर सप्लाइज। तो यहां पर आईएक्स जिस प्रकार का मोनोपोली का बिजनेस आपको यहां पर मार्केट में करते हुए देखने को मिलता है, यानी कि एक और इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज हमें मार्केट में देखने को मिलता है, लेकिन जो उसका मार्केट शेयर से वो आईएक्स के कंपैरिजन में काफी कम देखने को मिलता है। आईएक्स ऑलमोस्ट यहां पर 85 to 90% मार्केट कैप्चर करता है, जिस कारण से इस शेयर को लेकर काफी बड़े बड़े टारगेट यहां पर निकल कर आ रहे हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो हमारी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस इंक्रीज कर रही है उसका भी बेनिफिट आईएक्स को काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट इस न्यूज़ में सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईएक्स इज गियरिंग अप फॉर द गवर्नमेंट्स प्लान्स टू ऑप्टिमाइज इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बाय पुलिंग वेरियस सोर्सेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर अगर पावर सप्लाई की डिमांड बढ़ती है, अगर पावर के प्राइजेज इंक्रीज होते हैं तो डेफिनेटली उसका आईएक्स को उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आज का आप आईएक्स का ट्रेडिंग चार्ट भी देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन हमें इस शेयर के अंदर 254.25 रुपये का हाई भी देखने को मिला। और साथ ही साथ वॉल्यूम बेस्ड काम की बात करें तो आज के दिन हमें आईएक्स के अंदर 95,33,000 क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिली है। और साथ ही साथ ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक में भी हमें इस शेयर के अंदर फ्रेश बाइंग आते हुए देखने को मिल रही है। बात करें कि आईएक्स के अंदर जो
वॉल्यूम बेस्ड काम आज हुआ है कंप्लीट, उसमें 17,71,000 शेयर्स डिलीवरेबल बेस पर उठाए गए हैं और डिलीवरेबल बेस क्वांटिटी का परसेंटेज हमें यहां पर लगभग 18-19% देखने को मिल रहा है। यानी कि वॉल्यूम बेस्ड काम में जो डिलीवरेबल बेस्ड काम है उसके अंदर थोड़े से हमें करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यदि आपने भी आईएक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो लॉन्ग टर्म पर्पज से आप यहाँ पर ₹330 तक के टारगेट लेकर चल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कंपनी अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट प्रेजेंट करने वाली है और इस क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के साथ में ही आईएक्स के टारगेट 300+ जाते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में, तो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर जो कि कंपनी ने क्वार्टर टू के अंदर डिक्लेयर किए थे, जहाँ कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का नेट प्रॉफिट तो हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिला ही था, लेकिन साथ ही साथ कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर रेशो है उसके अंदर भी हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली थी। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें आईएक्स के बोनस देने के बाद में, यानी कि जब से कंपनी ने 2:1 के रेशो का बोनस दिया है उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कि इस शेयर के अंदर हमें कोई बड़े मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 1 जनवरी के दिन जहां आपको ट्रेडिंग तो सस्पेंड होते हुए देखने को मिल रही है, ट्रेडिंग बंद होते हुए देखने को मिल रही है, वहीं हमें जो दिसंबर मंथ के पावर सप्लाई के नंबर से वो रिलीज होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो यानी कि जैसे ही ट्रेडिंग अगेन स्टार्ट होगी आपको उस न्यूज़ का भी एक पॉजिटिव आउटकम्स आईएक्स की शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिलने वाला है। अब बात करें इन्वेस्टर मीटिंग के आउटकम्स के बारे में, तो आईएक्स के इन्वेस्टर मीटिंग यहां पर ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी है आज के दिन और उसके आउटकम्स जो है वो जैसे ही NSE और BSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिए जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से सबसे पहले अपडेट कर दिए जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप देख सकते हैं 2017 में हमें आईएक्स की लिस्टिंग देखने को मिली थी और लिस्टिंग के बाद से ही इस शेयर्स के अंदर हमें लगभग 380-390% तक के शानदार रिटर्न्स यहां पर देखने को मिल चुके हैं। तो यदि आपने भी आईएक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर आप आने वाले 5 साल के लिए इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। ये शेयर भी आपको लगभग ₹500+ तक के रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। ऐसी ही इंपॉर्टेंट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपना फ्री डीमैट अकाउंट अपस्टॉक्स जैसे इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं खुलवा रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिर्फ 4 चीज़ें आपको तैयार रखनी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और साथ ही साथ एक कैंसल चेक, जिसको आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 2 आवर्स आपका जो डीमैट अकाउंट है वो यहां पर ओपन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले यदि आईएक्स से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।